थाना हापुड़ देहात के अंतर्गत ततारपुर बाईपास पर काली नदी के पास मुर्दा मवेशी की आड़ में संचालित मवेशी कुट्टी घर पर रविवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। और गांव पटना मुरादपुर के हजारों ग्रामीणों ने कुट्टी घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और कुट्टी घर का गेट तोड़ डाला। ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर अवैध कुट्टी घर पर कार्य करने वाले लोग दीवार फांदकर भाग खड़े हुए। सूचना पर भाजपा विधायक, पुलिस और प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया। इतना सेंसिटिव मैटर है, उसका 4 घंटे ग्रामीणों की मांग है कि अवैध कुट्टी घर को तुरंत हटाया जाए। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बताया कि काली नदी के पास मांस कारोबारियों ने मुर्दा मवेशी की आड़ में अवैध कुट्टी घर बनाया है, जिसकी दीवार 10-12 फीट ऊंची है और एक मजबूत गेट लगाया गया है। इस अवैध कुट्टी घर में हापुड़ के आसपास के जनपदों से मवेशी वध के लिए लाए जाते हैं। मवेशियों का वध करके मीट दूर दूर तक सप्लाई किया जाता है। पशुओं के अवैध कटान से प्रदूषण बढ़ रहा है। कुत्ते और जानवर खूंखार हो रहे हैं। हर वक्त चील और गिद्ध आदि पक्षी मंडराते रहते हैं। ग्रामीणों का सांस लेना भी दूभर हो रहा है। ग्रामीण अवैध कुट्टी घर को बंद कराने की मांग कर रहे हैं। रविवार की सुबह जब प्रदूषण के कारण सांस लेना भी दूभर हो गया तो गांव पटना मुरादपुर के हजारों ग्रामीण घरों से निकलकर कुट्टी घर जा पहुंचे। ग्रामीणों के गुस्से को देखकर कर्मचारी दीवार कूदकर भाग खड़े हुए। कुट्टी घर में मवेशियों के अवशेष देखकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और गेट तोड़ डाला। ग्रामीण जेसीबी मशीन भी ले गए। ग्रामीणों के हंगामे की खबर मिलने पर विधायक विजयपाल आरती, अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश मिश्र, उप जिला मजिस्ट्रेट सतप्रकाश भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण कुट्टी घर को हटाने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ये तो गेट वाला बता देगा।